السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، कैसे हैं आप तमाम सब स्टूडेंट्स؟ क्या पोजीशन है؟ अच्छा، आज जो है ना वो हम कर रहे हैं लाइव घर से क्लास، क्योंकि सूरज ग्रहण है، अल्लाह खैर वाफियत वाले मामला फरमाए सबके लिए، थोड़ी सी कुछ चीज़ें आगे पीछे हों तो परेशान नहीं होना، हो जाएगा सर इंशाल्लाह तआला، ठीक है؟ अच्छा، ऑडियो मैंने चेक कर ली अपने तौर पे، मैं ओके हूँ ऑडियो के हिसाब से، बाकी आप लोग भी सब एक बार चेक कर लीजिएगा، और कमेंट्स तो मुझे मिलते रहेंगे. मज़ीद ये है कि चल गुड، आज जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और असाइनमेंट्स भी देख लें हैं. अच्छा، कुछ बातें करनी हैं، वो एक तो ये कि जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा लोग टेंशन ले रहे हैं. देखें दो तीन चीज़ें हैं، एक तो ये कि वो सिर्फ इलस्ट्रेटर में नहीं बनेगा، इलस्ट्रेटर फोटोशॉप दोनों के लिए، अभी से देने की वजह ये है कि उसमें लोगो बनाना है، आप लोग ने अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करना है، बिज़नेस कार्ड बनाना है، तो ये तमाम चीज़ों की आप लोग जो है ना वो काम शुरू कर दें इसमें، ठीक है؟ सबसे पहले तो कंपनी का नेम डिसाइड होगा، फिर लोगो डिज़ाइन होगा، टैगलाइन सेट होगी، इसके बाद जो है ना वो आप लोग ने ये काम करना है कि बिज़नेस कार्ड की तरफ हम जाएंगे، पहले लोगो फाइनल होने के बाद. तो आप लोग ये देख लो भाई कि पहले इन तमाम चीज़ों को तो फाइनल कर लो، उसके बाद जो है ना वो हम फोटोशॉप पर जाएं. अच्छा، दूसरी चीज़ ये है कि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ना वो है ये कि तमाम चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा गौर कर लें कि क्या सूरत है. मामला ये है، एक मिनट दीजिएगा، ताकि आप लोग की आवाज़ मेरी आवाज़ किस हद तक जा रही है वो हमें पता चले، आप लोग तक सही पहुंच रही है आवाज़ नहीं पहुंच रही है، क्या सूरत है इसको देख लेते हैं. चलो आवाज़ तो ओके، ठीक है، अभी जो है ना वो आवाज़ भी अलहमदिल्ला ओके. अच्छा भाई، अभी ये है कि थोड़ा सा पुराना देख लेते हैं، देखें इस प्रिंटिंग किस पर करानी، आप ये समझें कि जो बिज़नेस कार्ड है वो आपने बिज़नेस कार्ड के मटेरियल पर कराएंगे، आपकी प्रेजेंटेशन काउंट होगी، अगर आप बिज़नेस कार्ड के मटेरियल पे नहीं कराएंगे तो प्रेजेंटेशन काउंट नहीं होगी. यानी इसका यूँ समझ लें कि अगर कोई नॉर्मल पेपर पर प्रिंट आउट देता है तो पॉसिबल तो उसके लिए भी है और काम उसका भी सबमिट हो जाएगा، मार्क्स उसको भी मिलेंगे، लेकिन अगर कोई अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ देगा तो उसके लिए आप समझें कि एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा. तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ ज़्यादा अच्छे अंदाज से पेश की जाएगी उसका जो है ना वो रिस्पॉन्स، उसका उसकी मार्किंग भी अच्छी की जाएगी، ठीक है؟ मज़ीद ये है कि स्क्रीन के लिए प्रिंट रेजोल्यूशन क्या، स्क्रीन के लिए प्रिंट रेजोल्यूशन कब होती है، या तो स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी या तो प्रिंट रेजोल्यूशन होगी. इसके बाद जो है वो सर ये पूछना है कि लोगो में वाइट बैकग्राउंड में रखा है، बाकी चीज़ें कलर्ड बैकग्राउंड में रख सकते हैं؟ बिल्कुल रख सकते हैं، कोई मसला नहीं है، सब हो सकता है. फ़ाइनल असाइनमेंट कैसे प्रिंट करेंगे؟ फ़ाइनल असाइनमेंट देखें، अभी तो जो इस वक्त पोजीशन है सिंध की वो 2 जून तक तो ये कहा गया है ना कि लॉकडाउन है، लेकिन लॉकडाउन बज़ाहिर समझ नहीं आ रहा، हमारे भी अतराफ़ में सब कुछ खुला हुआ है، तो
अतराफ में देख लें क्या पोजीशन है, अगर आप लोग के पास लॉकडाउन की ऐसी सूरत नहीं है तो आप लोग तैयारी करके रखें, और 5 तारीख को सबमिट करवाना है तो आप 4 तारीख को प्रिंट करा लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा जो है ना, अच्छा बिजनेस कार्ड के लिए क्रॉप मार्क्स लगाने ज़रूरी ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी। अगर क्रॉप मार्क्स के साथ भेजेंगे तो जाहिर सी बात है एक प्लस पॉइंट होगा आपका, हमें पता ये चलेगा कि आपकी तरफ से कितना क्लियर हो चुके हैं आप, बाकी मसला नहीं है। अच्छा पैकेजिंग का जो बॉक्स बनाना है, तो जैसे जीशान मैंने आपको सैंपल दिखाया था उस तरीके से बिल्कुल बॉक्स बनेगा, और बात वही आ जाएगी कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना अच्छा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारे पास लेटर हेड आता है, बल्कि मैं काम करता हूँ वो जो पोस्ट किया था ना उसको देख लेते हैं एक नज़र, कि क्या क्या चीज़ें हमने की थी पोस्ट, ताकि आप लोग के साथ वो डिस्कस हो सके। फाइनल असाइनमेंट में जो हमारी थी सबमिशन वो थी लोगो है, तो लोगो आपने 5x5 इंच पे बनाना है, प्रिंट आप जब देंगे इसका सबमिट करवाएंगे तो 5x5 इंच पर ही करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिजनेस कार्ड आ जाता है, वो भी उसी साइज़ पर प्रिंट होगा, आईडी कार्ड भी उसी साइज़ पर होगा, लेटर हेड भी उसी साइज़ पर होगा, एनवलप भी उसी साइज़ पर होगा। अब एनवलप पर हम आते हैं, तो एनवलप पहले प्रिंट होगा, उसके बाद उसकी कटिंग होगी, उसकी मेकिंग होगी, यूएच यू या किसी भी गम से आप उसको सेट करेंगे, और फिर आप उसको एनवलप फाइनल करेंगे। फ्लायर जो है वो फ्रंट बैक होगा, बिल्कुल उसी तरह फ्रंट बैक ही प्रिंट होगा, पोस्टर अलग प्रिंट होगा, ब्रोशर अलग प्रिंट होगा, FB की पोस्ट जो है वो 10 इंच बाय 10 इंच है, तो वो इसी साइज़ पर प्रिंट होगी। इशू है अगर नहीं मिल सकता, क्योंकि 10 इंच बाय 10 इंच के लिए फिर हमने आपने जाना पड़ेगा A3 के पेपर पर, अगर A3 का प्रिंटर करीब में किसी दुकान पे नहीं है तो आप A4 पे करवा दें, कोई इशू नहीं, चल जाएगा। FB कवर जो है इसके लिए भी अगर ऐसा है तो आप इस पे जा सकते हैं A4 साइज़ के पेपर पर, ठीक है। इसके अलावा बंटिंग आपकी चॉइस है, वेब टेम्पलेट जो है ना वो A4 पर आएगा, और फोल्डेड प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है ना वो एज़ पर योर चॉइस, ठीक है। इसके अलावा नीचे जितनी चीज़ें हैं, मग, टेबल कैलेंडर, वॉल क्लॉक, CD कवर, पेन और डायरी कवर, ये तमाम चीज़ें आप लोग ने हार्ड कॉपी के तौर पे नहीं भेजनी। इसका मकसद ये है कि मग पे प्रिंटिंग करके आपने नहीं भेजनी, टेबल कैलेंडर पर प्रिंटिंग करके आपने नहीं भेजनी, वॉल क्लॉक पर प्रिंटिंग करके आपने नहीं भेजनी। आपने करना ये है कि आप जो है ना वो सिर्फ आपने ये करना है कि उसकी जो प्रिंटिंग हो ना उसको आप नॉर्मल A4 पर प्रिंट निकाल कर भेज दें। आप मग और वॉल क्लॉक बनाने जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ये सारे मामले आते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा जो है ना वो आप लोग के सवाल की तरफ आते हैं, सर अब तो कराची के कुछ जोन भी लॉकडाउन है हैं बंद, प्लीज़ कंसिडर दिस स्पेशली। अच्छा देखिए मैं आपको यही अर्ज कर चुका हूँ कि आप फिलहाल यही समझें कि दो फिलहाल आप ये समझें कि 5 जुलाई जो आपकी डेडलाइन है वो ही है, लेकिन अगर 5 जुलाई के बाद 2 जुलाई के बाद अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे, और आप लोगों को बिल्कुल टाइम दिया जाएगा। आप लोग इसको ये कीजिएगा कि उसके बाद जमा करा दीजिएगा, ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इतना तो सब हमें भी दिखता है कि ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, तो इस पर परेशान ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि सर प्रिंटिंग के लिए कौन सा पेपर यूज़ करना है, पेपर सैंपल, भाई पेपर तो पेपर होता है ना। अब एक लेटर हेड जो है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप लेटर हेड जो है ना वो कार्ड पे प्रिंट करके दे, तो आज तक कभी लेटर हेड कार्ड पे देखा है? नहीं देखा है ना। इसी तरह से आप ये करें कि जो चीज़ जिस पर होती है उसको उसी तरह रहने दें, ठीक है। अच्छा कस्टमर अगर हमसे मांगे तो हम उसको किस फॉर्मेट में तमाम चीज़ें दें, तो आपने कस्टमर जब भी डिमांड करेगा तो साथ में वो बताता है कि किस फॉर्मेट में उसको चाहिए। एक चीज़ दिमाग में रखें कि अगर उसने कोई चीज़ आपसे बनवाई है और उसने आपको उस चीज़ के पे किए हैं, तो अब आप उसकी फाइल को अपने पास रख नहीं सकते, उसकी चीज़ें आपने उसको देनी पड़ेंगी, ठीक है।
कैसे देनी पड़ेंगी वो उसकी, अगर वो मांगता है बहुत अच्छी बात है, अगर वो मांगता ही नहीं है तो फिर जो है ना वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अब हम उस चीज़ को रख लें और फिर ओरिजिनल फाइल पर पैसे बहुत ज़्यादा मांगें, इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलती है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर आपसे डिमांड कर देगा, उमूमी तौर पे होता ही है कि आप जब भी काम कंप्लीट करें आप उसको बोल दें कि सर आप जो है ना अपनी ईमेल आईडी दे दें, और ईमेल आईडी पे हम ये करेंगे कि आपको वो दे देंगे, क्या दे देंगे, आपकी ओरिजिनल फाइल मेल कर देंगे, यहाँ काम ख़त्म हो जाता है हमारा। बाकी फिर उसकी मर्ज़ी है, वो मांगे तो ठीक है, नहीं मांगे तो वो भी उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा भाई, इधर एक सर कोई प्रॉब्लम शेयर करनी तो आपके ऑफिस आ सकते हैं मेरे भाई। आप उमूमी तौर पे तो मैसेंजर पे जो मुझे मैसेज करता है उसको मैं रिप्लाई दे देता हूँ, एक दो दिन का बीच में गैप होता है लेकिन जवाब उसको मिल जाता है ना। एक तो ये कि कोशिश करें कि मैसेंजर पे मैसेज भी ना करें, लेकिन चलें अगर कहीं कोई परेशानी है, बिल्कुल आप रابطہ करना चाह रहे हैं तो रابطہ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, मज़ीद ये है कि सर ब्रोशर फ्रंट बैक होना चाहिए, जो चीज़ लिखी है आपको बता दी गई है वो वैसी ही होनी चाहिए। सर अगर आगे चल के एरिया सील हो जाता है तो फिर TCS करेंगे और प्रिंट आउट कैसे करेंगे? आप लोग सब परेशान ना हो, आप लोगों को सेकंड लास्ट क्लास में यानी 5 जुलाई से पहले वाली जो क्लास होगी उसमें कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर दे दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि ग्रुप पे रहें, ग्रुप पे जो भी होगा आपको मज़ीद अपडेट दिया जाएगा। आपकी इतनी फिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे, ठीक है। सर डेट एक्सटेंड कर दीजिएगा क्योंकि पेपर है, 4 को एंड होंगे फाइनल है, तो इसका मैं क्या करूं? मेरे पास भी तो आपने असाइनमेंट जमा कराना, नहीं लेते क्लास, आप कोर्स भी आप ले रहे हो, यूनि भी आप जा रहे हो, तो आप जब सब चीज़ें कर रहे हो तो फिर आपको जमा तो करानी पड़ेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। सर सॉफ्ट कॉपी सबमिशन का ऑप्शन देते हैं, सॉफ्ट कॉपी तो सबमिट आपने करवानी है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो आपने जमा करानी है, ठीक है। अच्छा सर, एक दफ़ा फाइनल असाइनमेंट क्या बनाना है बता दें, तो फाइनल असाइनमेंट लास्ट क्लास की दोबारा वीडियो खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट वो फाइनल असाइनमेंट क्या बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो कोरियर सर्विस बंद है, इसका मैंने आपको बता दिया, इसमें परेशान ना हो। उसके बाद प्रिंट पर, ये प्रिंट के लिए कौन सी फाइल देनी चाहिए? प्रिंट के लिए आप अभी अगर प्रिंट आउट करवाएंगे तो आपने कोशिश करना है ऐसी फाइल हो कि जो आपके ओरिजिनल साइज़ पर आ सके। इसका मकसद ये है कि अगर 5 इंच बाय 5 इंच का लोगो है, आप उसको जेपेक फॉर्मेट में देंगे, वो फिट टू पेज कर देगा तो साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने 5 इंच बाय 5 इंच पर ही रखना है उसको। अच्छा, इसके अलावा कंपनी कोई भी ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपनी अगर कोई वर्चुअल कंपनी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब भी लोगो रेडी होगा उसमें जो कलर थीम होगी ना, अब बिजनेस कार्ड ले लें, एनवलप ले लें, लेटर हेड ले लें, सब पर एक ही कलर थीम चलती रहेगी, ठीक है। आपकी AI की फाइल की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रिंट आउट्स चाहिए होंगे। अगर ऐसा हुआ तो डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन सबमिशन इन प्रिंट आउट्स ही होगी, ठीक है। अगर किसी का कोई इशू है तो नॉर्मल A4 पर भी प्रिंटिंग कर सकता है, लेकिन कलर्ड हो। अच्छा सर, ग्रोशर ब्रीफिंग प्रिंटिंग के लिए कलर चेक कैसे करेंगे? सर पैकेजिंग बॉक्स बनाने के बाद फोल्ड होगा जी। पैकेजिंग बॉक्स कौन सा ऐसा है जो सिर्फ स्ट्रेट होता है? तो वो स्ट्रेट थोड़ी होता है, बॉक्स तो बॉक्स होता है, फोल्ड होकर ही बॉक्स बनेगा ना भाई। अच्छा सर, रेजोल्यूशन क्या होंगे प्रिंट और स्क्रीन के लिए? प्रिंट के लिए तो 300 रेजोल्यूशन होती है, बाकी सर ब्रोशर A4 बाय 3 है तो A4 को 300 में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा।
आईडी कार्ड फ्रंट बैक होता है, जी फ्रंट बैक होता है, आईडी हार्ड कॉपी और फाइनल डॉक्यूमेंट इज कंपलसरी और कॉपी इज इनफ। बिल्कुल ज़रूरत है भाई, हार्ड कॉपी ही चलेगी, वरना उसके अलावा आपको असाइनमेंट की सबमिशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, पिछली क्लास की पूरी वीडियो ग्रुप पे नहीं है? क्यों नहीं है भाई, पिछली क्लास पूरी हुई है, वो दो हिस्सों में हुई थी क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी, तो दोनों वीडियोस मौजूद हैं ग्रुप पर, आप उसको देखें। ठीक है, अभी तक जो स्टूडेंट्स फोटोशॉप का लिंक मांग रहे हैं ना, बहुत अफसोस की बात है कि आप लोग ने अभी तक फोटोशॉप नहीं इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन अब ये कि उसके इस तरह के जवाब मैं दे नहीं रहा हूँ, मामूली तौर पे देने की हाजत भी नहीं है। आपको हम चाहिए गूगल पर सर्च आउट करें, ले लें, गेट इन टू पी सी डॉट कॉम पर सर्च आउट करें, वहाँ से उठा लें, मुझे इस तरह के मैसेज ना करें प्लीज़। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? क्या आपने असाइनमेंट सबमिट करवा दिया? क्या स्टार्ट से लेकर आखिर तक आपने तमाम असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं? ये इसको पहले जवाब, इसका पहले जवाब दें, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। फाइनल असाइनमेंट जमा करवा दें, उसके बाद फिर उसके बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, टेक्स्ट आउटलाइन क्यों किया था? टेक्स्ट आउटलाइन इसके लिए किया था, इसकी वजह है, देखें जब हम उसको प्रिंटिंग में लेके जाते हैं ना, हमने अगर अपनी फाइल को दूसरे किसी के सिस्टम में कॉपी कराई, उसके पास फॉन्ट नहीं है, तो फॉन्ट वो छोड़ देगा, फिर क्या करेंगे? इस वजह से हमने जो है ना वो उसको आउटलाइन करना पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, ये स्ट्रोक को आउटलाइन इसके लिए करते हैं, एक्सपेंड इसके लिए करते हैं स्ट्रोक को, कि स्ट्रोक में को अगर हमने छोटे आर्ट बोर्ड से बड़े आर्ट बोर्ड पर लेकर जाएंगे तो वो कम पतला हो जाएगा, उसकी विड्थ जो है ना वो पतली हो जाएगी, इस वजह से जो है ना वो उसको एक्सपेंड किया जाता है स्ट्रोक। ठीक है, बहुत सारे सवाल आते हैं, हम सारे तो मुश्किल हो जाएंगे अगर ये देंगे तो, पर क्लास नहीं हो सकेगी ना। सर बिजनेस कार्ड जो है वो 3.5 इंच बाय 2 इंच है, उसको एक्सपोर्ट करने पे साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, आपने रेजोल्यूशन सही नहीं रखी होगी। आप जब भी नया आर्टबोर्ड लें, एडवांस सेटिंग में जाके उसकी रेजोल्यूशन 300 रखें, इंशाल्लाह बिल्कुल सही आएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब हम क्लास के लिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं, और ठीक है, अब हम जो है ना वो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब फोटोशॉप को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, पूरे कोर्स का एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा भाई। चले, हम आ गए हैं फोटोशॉप में, आज हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल है ना वो सीसी है, तो परेशान नहीं होएगा बहुत ज़्यादा, हमारा जो काम है वो इंशाल्लाह ताला इसमें हो जाएगा। हम अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास से दोबारा CA6 में आ जाएंगे। ठीक है,
इसकी हमने सिलेक्शन उस दफ़ा की थी मैजिक वॉन्ड टूल और सिलेक्शन टूल के जरिए, ठीक है। आज हम इसकी करेंगे किसके जरिए, आज हम इसकी करेंगे, एक मिनट मैं रिचेक कर लूँ। ठीक, आज जो है ना वो हम इसकी सिलेक्शन करेंगे पेन टूल के जरिए। पेन टूल के जरिए होती कैसे, पेन टूल के जरिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आसानी भी रहती है वो इस तरीके से कि हमें कर्व्स बनाने में इजी हो जाता है। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है जनाब। वो OBS सॉफ्टवेयर तो है लेकिन स्क्रीन शेयरिंग का इशू आ रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम।
जी अली भाई। जी, सही है। एक मैं यूट्यूब चलो यार, जब तक ये अली भाई रिजॉल्व कर रहे हैं तब तक हम जो है ना वो काम वो आपके मैसेजेस के जवाब ही दे देते हैं। और क्या सही है ना? ब्रेक लेके क्या करेंगे यार, ब्रेक लेके क्या करेंगे, अल्लाह के बंदे खामों के साथ ही रहते हैं। अच्छा सर, मग, ये मग्स क्या है? मग के देखें, सब्लिमेशन मग्स के ऊपर आजकल जो प्रिंटिंग चलती है ना वो है, तो बस उस पर जो जिस तरह से डिज़ाइन शो करना है वो आपने लगाना होगा। सर आपने गेयर एरिया को एक्सटेंड किया था ब्लीड तो वो विजिबल नहीं होगा प्रिंट में, नहीं जो एरिया वो थे ना हमने ब्लीड किए हुए थे वो विजिबल नहीं होंगे। अच्छा, ब्रोशर के अंदर की डिटेल कहाँ से लें, ये तो आपके ऊपर है। आप अगर मिसाल है आपकी, अगर उसकी दुकान है किसकी, कि अगर उसकी दुकान है, किसकी दुकान है, अगर आप मिसाल है कोई रेस्टोरेंट लेकर बैठे हो, ठीक है, तो अब उस रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू क्या क्या है वो तो आप ही बताओगे ना, मुझे तो पता थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई। दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं। ये OBS पे क्लिक करें। हाँ, करें। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड द कॉन्वर्सेशन।
इसको क्विट कर लेते हैं ना, उसके बाद दोबारा सेटिंग में हो सकते हैं स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा, शो करेगा। चलें गाइस, थोड़ी देर में दोबारा आपके साथ कनेक्ट होते हैं इंशाल्लाह ताला। कर लें अली भाई, पीछे एक पॉप उपाय। यस yes।